हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ममताज किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी यम्मी रेसिपी स्प्रिंग रोल की। तो चलिए शुरू करते हैं। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 3 कप मैदा। उसके बाद उसमें हम 1 कप या उससे भी ज़्यादा अकॉर्डिंगली हम पानी डालेंगे। पानी डालते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम धीरे धीरे आराम से पानी डालें, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि लम्स ना फॉर्म हो। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे हम और धीरे धीरे उसे मिक्स करते रहेंगे। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही। हमें इसे एक स्मूथ बैटर बना लेना है ताकि हमें इसे पैन पे फैलाने में आसानी रहे। ये देखिए मैंने जो बनाया बैटर, इसमें ज़रा सा भी लम्स फॉर्म नहीं हुए। अब इसमें हम 2 चम्मच नमक डालेंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसे 1/2 स्पून बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। तो ये हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है, बिल्कुल स्मूथ है, कोई भी लम्स फॉर्म नहीं हुआ है इसमें। अब हम फिलिंग्स की तैयारी करेंगे। फिलिंग्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक हीटेड कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। उसके बाद उसमें जीरा डालेंगे। फिर हम इसमें हींग डालेंगे। इसमें लगभग 1/2 चम्मच हींग डालेंगे। मैंने ये सारे फिलिंग्स तैयार कर लिए हैं, तो मैं सबसे पहले इसमें 2 से 3 चॉप्ड चिली डालूंगी। उसके बाद मैंने 3 चॉप्ड अनियन रखे हैं, मैं उसे इसमें डालूंगी। उसके बाद अनियन को बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसके बाद हम इसमें टमाटर बिना किसी प्रॉब्लम के डाल सकें। जब प्याज थोड़ी हल्की रेड हो जाए फिर इसमें 2 कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। हम इसे बिल्कुल अच्छे से कुक करेंगे ताकि ये कच्चा ना रह जाए। इसमें आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। फिर 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। मैंने पहले ही 4 आलू को बॉईल करके उसे चॉप कर लिया था, उसी को मैं इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद इसे बिल्कुल अच्छे से कुक करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम फ्राइड चोखा बनाते हैं आलू का, बिल्कुल उसी तरह से हम इसमें करेंगे कुक इसके। इसके बाद हम इसमें 3 से 4 चम्मच हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, यानी काली मिर्च का पाउडर। इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा फिलिंग्स बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम बैटर से लेयर्स बनाएंगे। पहले हम हीटेड पैन में 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और उसे वाइप कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से टिश्यू पेपर से, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ। मैंने इसे अच्छे से वाइप कर लिया है।
जो हमारा बैटर बन के तैयार हुआ था उसे हम एक बड़े स्पून में लेके राउंड शेप में पैन में बिल्कुल स्प्रेड करेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल पतला रहे, क्योंकि अगर मोटा रहेगा तो हम इसे स्प्रिंग रोल बना नहीं पाएंगे, उसमें हम आलू नहीं भर पाएंगे। हमारा एक तरह से ये हो चुका है, सिक चुका है बिल्कुल अच्छी तरह। अब हम इसे टर्न करके दूसरे साइड से भी सेकेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम बैटर से और सारे लेयर्स बनाएंगे जिसमें हम फिलिंग्स भर सकते हैं। बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतने सारे लेयर्स बना लिए हैं। आप देख सकते हैं बहुत पतला है, इसमें हम आसानी से फिलिंग्स ऐड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, और ये अच्छे से पैक भी हो जाएगा। हमें लेयर्स बनाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पतला रहे, नहीं तो हम फिलिंग्स ऐड करेंगे तो वो अच्छे से चिपक नहीं पाएगा, और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो वो खुल जाएगा। ये देखिए मैंने इसमें फिलिंग्स ऐड कर दी हैं। अब बिल्कुल वैसे ही आपको इसे फोल्ड करना है जैसे मैं इसमें दिखा रही हूँ। ये जो मैं लगा रही हूँ ये वही बैटर का थोड़ा सा पार्ट मैंने बचा लिया था, उसी चीज़ को मैं इसमें लगा रही हूँ। ये गम की तरह काम करेगा ताकि ये बिल्कुल चिपका रहे, हटे ना। और बिल्कुल इसी तरह से हम एक एक करके जितने भी लेयर्स हैं सब में फिलिंग्स ऐड करेंगे और अच्छे से इसे स्प्रिंग रोल बना लेंगे, जिससे सिर्फ एक बात की देरी रहेगी, हमें उसे सिर्फ फ्राई करना होगा। ठीक इसी तरह से आपको भी इसमें लेयर्स में फिलिंग्स ऐड करनी है और ये बैटर के थ्रू हमें इसे चिपकाना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जितने भी रोल्स मैंने किए हैं इसमें सारे में फिलिंग्स ऐड कर दी हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें एक एक करके हम जितने भी हमने स्प्रिंग रोल्स बनाए हैं उसे फ्राई करने के लिए इसमें रखेंगे। स्प्रिंग रोल्स को फ्राई करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है हमें, जब तक ये एक तरफ से पूरी तरह सेक ना जाए, बिल्कुल अच्छी तरह से एक साइड से फ्राई ना हो जाए, तब तक इसे टर्न नहीं करेंगे हम, क्योंकि अगर हम बिना फ्राई किए अगर इसे टर्न कर दिए तो स्प्रिंग रोल्स जो हैं उसमें उसमें फिलिंग्स को निकलने का डर रहता है। ये देखिए हमारे स्प्रिंग रोल्स बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। हम इसे एक प्लेट में टिश्यू पेपर लगा के उसे एक एक करके हम टिश्यू पेपर पे रखते जाएंगे ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो सके। ये देखिए हमारे स्प्रिंग रोल्स बनके तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट है इसमें, क्रंची अंदर से, बहुत ही टेस्टी फिलिंग्स के साथ। आप चाहें तो इसे डायगनली कट करके भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में